ये बेसिकली जब तुर्की और सर्बिया में इंडिपेंडेंस जब वार चल रहा था तो अराउंड 10,000 तुर्की और 4,000 सर्बियन की लोग शहीद हुए थे, और उसमें से तुर्की का जो लीडर था उन्होंने इस टावर को बनाने के लिए बोला था। यहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर का रास्ता है, तो यहाँ से चलूँगा अभी 50-60 मिनट मतलब 1 घंटे का रास्ता है पैदल चलना। मैंने कहा चलो ठीक है, सिटी का चक्कर भी लग जाएगा। तो यहाँ पे भाई साहब सब कुछ लिखा हुआ है, स्कल टावर, हिलांदी, मैथकॉइन, इस रास्ते में छोटी सी नदी है, नदी है नाला है यार पता नहीं ऊपर से उन्होंने पुल बना के रखा है। हाँ टिकट लेना पड़ेगा यार, चलो कोई नहीं। आई थिंक काफ़ी फेमस जगह है, कुछ टूरिस्टिक बसें दिख रही है मुझे यहाँ पर। तो we have combined ticket, it's 200 per person if you want to visit the concentration camp and archaeological hall also. Is it like how long it will take? The ticket's valid a few days. Few days? Yes, you can go tomorrow or after tomorrow when you have time. Okay, but no, I just want just for this. Just here. Okay. 150. For the student? Yes. And without a student discount? It's 200. Ah, okay. Just 50 rupees. Yeah. Okay. We have students and no students. Okay. Thank you very much, Kuala. पीछे टिकट ऑफिस से टिकट ले लिया। मेरे हिसाब से ये वाला है क्रॉस द ब्रिज। अब इधर लग रहा है मुझे। काफ़ी टूरिस्ट मुझे लगा था आएंगे, लेकिन इतने टूरिस्ट है नहीं। हाँ ये रहा स्कल टावर वाला बिल्डिंग तो कहीं अंदर है। वैसे मुझे टूरिस्ट चीज़ें करना उतना पसंद नहीं है, लेकिन सर्बिया में ज़्यादा कुछ करूँ क्या, हर जगह टूरिस्टी वाला हिसाब किताब है। जिस तरह चाइना में था किसी भी जगह पे जाओ तो पैसे पे करने होते हैं, पैसे पे करने होते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी है। अच्छा चलो, फ़ायदा मिला मुझे स्टूडेंट होने का मुझे 50 रुपये का फ़ायदा मिला, 50 रुपये नहीं 35 रुपये का उसका फ़ायदा मिला। वैसे अगर आपको बता दूँ करेंसी के अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो वहाँ यहाँ का 100 रुपया इंडिया के 70 रुपये के बराबर है, तो आप कैलकुलेट कर लेना। जब भी मैं अगर 500 बोलूं तो वो घट के 300 हो जाता है या 350 हो जाता है घट के। वो मेरे पीछे ये था स्केल्टन टावर। अंदर वीडियो बनाने से उन्होंने मना किया था, तो मैंने कुछ वीडियोस नहीं बनाए अंदर पे, सिर्फ वहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउ था, तो इससे मैंने कुछ तस्वीरें ली हैं जो कि आपके साथ साझा करता हूँ मैं। बेसिकली जब तुर्की और सर्बिया में इंडिपेंडेंस जब वार चल रहा था तो अराउंड 10,000 तुर्की और 4,000 सर्बियन की लोग शहीद हुए थे, और उसमें से तुर्की के जो लीडर था उन्होंने इस टावर को बनाने के लिए बोला था, और इस टावर में काफ़ी सारे स्केल्टन थे, और मतलब सिर्फ जो स्केल्टन मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट था, और इसको लगाया गया यहाँ पर। ऐसा कुछ मैंने देखा था कंबोडिया में यार, इन सब चीज़ों को देख के दिल डाल जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसमें जो शहीद हुए थे इनपे उन्होंने टावर बना दिया, और 18वीं सदी में किसी फ्रेंच राइटर ने जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उसने ये चीज़ देखा था, और इसे अब म्यूज़ियम का नाम दे दिया गया है, इसे कहते हैं स्कल टावर। बहुत सारे स्कल जो स्कल थी वो मिसिंग है, बहुत कम मतलब चंद स्कल यहाँ पर है। मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्कल थे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ढांचा बना हुआ है सीमेंट का, लेकिन काफ़ी सारे जो स्कल हैं वो मिसिंग है। तो स्कल टावर देखने के बाद मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक फोर्ट है, यहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर का रास्ता है, सोचा थोड़ा चलो पैदल चलते हैं। अभी 5:30 बज रहे हैं, 6:30 बजे तक पहुँचूँगा। ऐसे आज सनसेट का तो मेरे हिसाब से कोई सीन ही नहीं बन रहा, क्योंकि काफ़ी बादल घिरी हुई है। तो यहाँ से चलूँगा अभी 50-60 मिनट मतलब 1 घंटे का रास्ता है पैदल चलना। मैंने कहा चलो ठीक है, सिटी का एक चक्कर भी लग जाएगा, और मैं सिटी के इस तरफ से उस तरफ जा रहा हूँ एकदम पैदल चल के, और अगर मेरे पास भारी सामान ना हो तो मैं कितना भी चल लूँ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उन्होंने कहा यह फ़ायदा है, काफ़ी चल सकता हूँ मैं। जस ये था स्कल टावर, काफ़ी शानदार नज़ारा है यार। अगर देखो तो यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, ये कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो मैं इस शॉप पर वापस से आ गया कि मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना था। मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट
6% हो गया था, तो अभी 10 मिनट फ़ोन चार्ज कर लूँगा, 10 मिनट कैमरा चार्ज कर लूँगा, उसके बाद चलेंगे फोर्ट देखने के लिए। तो 20 मिनट मैं रुकूँगा, मैं यहाँ पे टाइम हो रहा है 6:10, तो 6:30 में निकलेंगे और आधे घंटे में पहुँच जाएँगे, तो 7 बजे तक पहुँच जाएँगे, थोड़ा सनसेट देखेंगे, फिर अपने होस्ट के घर पर जाएँगे, फिर सो जाएँगे। आज के ही प्लान है फिलहाल। मैं खा रहा हूँ पिज्ज़ा, 80 रुपये का पिज्ज़ा आया, ठीक है काफ़ी छोटा है 80 रुपये के मुकाबले, बट चलो ठीक है, फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ मैं, अपना टॉयलेट यूज कर सकता हूँ। पिज्ज़ा खा के अच्छा लगा, अब चलता हूँ वापस से पैदल, अभी भी यहाँ से 30 मिनट लगेंगे, पानी वगैरह भर लिया, अब चलने में आसानी होगी। और ये बिल्डिंग देखो यार, ये वाली बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग बिल्कुल एकदम सेम दिख रही है, वाह सही है, ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है यार अब तो। तो मेरे हिसाब से यहाँ का ये सिटी सेंटर है, सेम मतलब बेलग्रेड का याद दिला रहा है यार ये। भाई साहब देखो, एक यहाँ पे हर एक सिटी में एक स्क्वायर होता है और स्क्वायर के पास एक कोई मूर्ति वगैरह होती है, और हमेशा मैं देखा हूँ मूर्ति घोड़े पर होती है तो कुछ मुझे मंगोलिया का याद दिला रहा है ये, दिखाता हूँ मैं पास जाके। मेरे हिसाब से ये World War I का कुछ होगा, और ये एक H&M है, यहाँ पे H&M एंड ज़ारा काफ़ी फेमस है, आई थिंक ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही फेमस है। सिटी कुछ ऐसी दिख रही है रात को अभी। अच्छा हमारा चलने का समय ऑलमोस्ट आ चुका है, 5 सेकंड के बाद ये रुक जाएगी, और ये कोई स्क्वायर होगा, वाओ सेम टू सेम है यार ये पूरा माहौल। चलो अब चलते हैं। और एकदम बिल्कुल परफेक्ट बेलग्रेड की तरह यहाँ पे एक MCD है, मैकडोनल्ड्स, ये बैंक घटिया सी बैंक है, मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है इस बैंक ने आज, बोजबोदंस का बैंक, नाम भी ख़तरनाक है घटिया भी नाम है। मेरा 600 रुपये ले लिया यार इस बैंक ने, मैं इस वीडियो में 50 बार बोलूँगा कि मेरा 600 रुपये ले लिया, 600 रुपये ले लिया। एक कुत्ते मास है यहाँ पे, एकदम सो रहे हैं, चैन की नींद ले रहे हैं। 1915 पक्का World War I का ये, देख लो कुछ तस्वीरें ले ली जाए इस चीज़ की। यहाँ पे कुछ लोग बनाने वाले हैं मेरे हिसाब से, मट्टी लगा रखा है। हाँ चल रहा हूँ भाई, JCB की खुदाई चल रही है वहाँ पे। तो देखो भाई गूगल तो कभी कभी ठीक होता है लेकिन हमेशा सही नहीं होता, तो जैसे कि ये गूगल भाई साहब बोल रहे थे कि तू सीधा जा एकदम आराम से चक्कर लगा के यहाँ फोर्ट आ, बट ये फोर्ट देखो मेरे सामने पड़ा हुआ है यार, ये गूगल मेरे साथ ऐसा तो क्यों कर रहा है। मेरे को गूगल ने अभी 1.4 किलोमीटर ज़्यादा चलता अगर मैं गूगल के भरोसे रहता तो। भाई साहब अपना दिमाग लगाना चाहिए कभी कभी, गूगल हर चीज़ नहीं करता यहाँ पे, यहाँ पे गूगल उतना अच्छा नहीं है यार गूगल मैप्स, इसलिए यहाँ लोग यूज़ करते हैं, उसका नाम है MoveIt, का नाम है MoveIt, अच्छा खासा एप्लीकेशन है, आप यहाँ पर यूज करो, बसेस वगैरह सही बताती है, कभी कभी यहाँ तो बसेस भी गलत बताती है। गूगल एक हद तक सही है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। ये रहा फोर्ट जो कि काफ़ी फेमस है, यहाँ पे हर एक सिटी में मैंने एक फोर्ट देखा है, किसी भी सिटी चले जाओ वहाँ पे एक फोर्ट मिलेगा आपको, एक फोर्ट है यहाँ पे। और ये एक रिवर है, इसका नाम है निशाबा रिवर, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये रिवर तो, बट बहुत छोटा सा रिवर ही है। वहाँ पे कुछ लोग कयाकिंग कर रहे थे, अगर आपको कयाकिंग करनी है तो आप भी कर सकते हो यहाँ पे आके निशाबा रिवर के ऊपर। हालांकि मैं ये रहा फोर्ट, ऑलमोस्ट शाम ढल चुका है तो मैं आता हूँ फोर्ट के अंदर, मेरे हिसाब से फ्री है यहाँ पे फोर्ट, यहाँ भी आप कोई भी फोर्ट जाओ फ्री है। नहीं एक फोर्ट गया था उसका नाम था रामा फोर्ट, वो फ्री नहीं था, गुलोबास भी फ्री नहीं था, गुलोबाश। तो ये है फोर्ट, और मैं जाता हूँ पहले रिवर के साइड थोड़ा बैठता हूँ फिर फोर्ट के अंदर जाऊँगा। तो ये है फोर्ट की एंट्री, आप इधर से जाओगे, ओके जाने देता हूँ यार कि मैं निकल जाता हूँ, मुझे नहीं पता ये कितना बड़ा फोर्ट है बट काफ़ी हलचल है यहाँ पे अभी भी। ये पे जैज म्यूजियम भी है यहाँ पे, वाओ, बट फोर्ट किधर है यार।
यार बेटे जरूर से टॉयलेट लग गई थी तो यहाँ पर आया, बोला कि कुछ ख़रीदना पड़ेगा तो ही टॉयलेट यूज़ करने को मिलेगा। यहाँ पर पासवर्ड रहता है टॉयलेट में भाई साहब, बड़ी सिक्योरिटी है टॉयलेट में भी यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे दिखाता हूँ, पैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, सॉरी कहाँ चला गया, अब एक सेकेंड या। तो उन्होंने मुझे ये नंबर दिया था 1808 H। अगर कभी आप यहाँ पर आओ नीस में, ये नंबर याद रख लो, आपको पैसे नहीं देने होंगे। अब सीधा अगर टाइप नंबर करना, एकदम सिटी सेंटर के पास है, यहीं पे जो मूर्ति है, मूर्ति के पास है। तो मैं कॉपी पी रहा हूँ, कॉपी सस्ता ही है, 60 रुपये का कॉपी है, सही है, बुरा नहीं है। 60 रुपये में अच्छी खासी कॉपी मिल रही है और साथ में टॉयलेट यूज़ करने को मिल रहा है, साथ में यहाँ पे वाईफाई भी, अगर आपको वाईफाई यूज़ करना है तो। हालांकि मैं तो फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैं कभी वाईफाई पासवर्ड मांगता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट काफ़ी सस्ता है। तो ये दो भाई साहब से मिला, अच्छी खासी अंग्रेजी आती है भाई साहब, 5 साल के हैं ये लोग, सॉरी 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। व्हाट्स योर नेम ब्रदर, व्हाट्स योर नेम, हाँ इस्त्राहिदीना, एंड यू हाउ ओल्ड आर यू, 13, नाइस नाइस, यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, यस यस, नाइस नाइस। यार ना भाई, तू गलत आदमी से बात कर रहा है, कुछ नहीं है, कुछ नो, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, नो ओनली हिंदी, यू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, नाइस, अच्छा लगा मिलके, कृपया आप जाइए यहाँ से। समझ नहीं आ रहा भाई क्या बोल रहे हो, समझ कुछ नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा है, सच में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या बताऊँ, कुछ नहीं आ रहा, हाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कृपया आप यहाँ से जाएंगे, थैंक यू, बाय बाय, चाओ। तो गाइस मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया, ये काफ़ी अच्छा फोर्ट है, लेकिन काफ़ी बड़ा भी है कंपेयर टू बेलग्रेड के। लेकिन रात हो रही है और मेरे पास गोप्रो हीरो 8 है, कोई फ़ायदा नहीं वीडियो बनाने से, सब कुछ डार्क 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 आएगा। हाँ लेकिन अच्छा खासा बड़ा फोर्ट है ये, थोड़ी क्लाइंबिंग की मैंने, ये एक लाइट है, पार्क पूरा सुनसान पड़ा, वीरान पड़ा हुआ है। तो अगर कल आ पाया सुबह सुबह तो ठीक है इस पार्क में, आई मीन इस फोर्ट में, अगर नहीं आ पाया तो अगले बार जब कभी सर्वे आएंगे तो देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यार एक विकट परिस्थिति में फंस चुका हूँ मैं, अपने अपार्टमेंट मतलब अपने होस्ट के अपार्टमेंट पहुँच गया, बट ये खुल नहीं रहा यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ पिछले 15-20 मिनट से, खुल ही नहीं रहा। देखो चाबी तो इसका कन्फर्म है, अच्छा चाबी तो घुस गया, अब नहीं इधर हो रहा है, नहीं इधर हो रहा है, क्या करूँ, नो कुछ तो होगा, या थोड़ा कम घुसा करता, ट्राई कर रहा हूँ वो भी नहीं हो रहा, ज़्यादा ठंड करके कर रहा हूँ, छाता करके करना पड़ेगा क्या, वो भी नहीं हो रहा, तोड़ ना दो बस, सारी दम हिम्मत लगा दे रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, अरे यार समझ नहीं आ रहा, भगवान बचाए क्या होगा, मेरा फ़ोन भी मर चुका है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो गाइस फाइनली खुल गया, हाँ काफ़ी कोई प्रयास करने के बाद खुला है भाई ये, क्या हो यार मेरे इतने आधे घंटे बर्बाद कर दिए, एक गलती और हो गई, हालांकि बंद करना पड़ेगा मेरे को, दो बार ऊपर नीचे कर लिया यार मैंने, वहाँ प्रेस कर दिया था और यहाँ पे बज रहा था ये वाला घंटी, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, फिर नीचे गया फिर ऊपर आया, अभी तक मेरे कान में वो गूंज रहा है, खतरनाक वॉइस था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।